नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी, गरीब हमारी प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे से हटाया गया निशान साहिब, भारत के दबाव के बाद फिर से लगाया गया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इजराइल में उड़ाया F-15 लड़ाकू विमान। अपने इजरायली समकक्ष मेजर जनरल अमिकाम नोरकामी के साथ कई मुद्दों पर की बातचीत। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। भारत में सक्रिय आईएस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 1 साल तक चले ऑपरेशन के बाद एजेंसियों को मिली कामयाबी। कश्मीर में नई इबारत, तिरंगे रंग की रोशनी से जगमगाया श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर, वायरल हुआ तस्वीरें। देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन प्रतिदिन 40 लाख डोज तक बढ़ा, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। भारी भरकम दस्तावेज रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा जजों को आतंकित करना है मकसद। मिजोरम ने लगाई गुहार, असम की नाकेबंदी के चलते कोरोना किट की भारी किल्लत, नहीं हो पा रही है जांच। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने फिर बढ़ाई महाराष्ट्र की टेंशन, नासिक में गांव में मिले 28 केस। ट्विटर ने नए आईटी नियमों को माना, स्थायी शिकायत अधिकारी किया नियुक्त, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जानकारी। बड़गाम के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सितंबर 2016 को हुए शशि कुमार हत्याकांड में एनआईए ने मुख्य षड्यंत्रकारी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपील दायर करने की प्रक्रिया सुसंगत नहीं हुई तो राजस्व अधिकारियों पर अवमानना की होगी कार्रवाई। केंद्र ने एनआईएसईआर भुवनेश्वर को दी ड्रोन इस्तेमाल करने की अनुमति, स्मारकों का होगा हवाई सर्वेक्षण। औरैया में खतरे के लाल निशान से ऊपर आई यमुना नदी, 12 गांव में घुसा यमुना का पानी। औरैया में रोशन कायाकल्प में शामिल हुआ एरवा सीएचसी केत के अधीक्षक के नाम किया रोशन। अलीगढ़ में मान्यता विहीन स्कूल पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, छात्र नेताओं के साथ अभिभावक पहुंचे DIOS ऑफिसर। अलीगढ़ में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय गैंग के अत्याचार अभियुक्त। अलीगढ़ में मजदूरी के रुपए मांगना पड़ा भारी, घर में घुसकर युवक की हुई पिटाई, मारपीट का वीडियो आया सामने।
आजमगढ़ में मां की डांट लगी भारी, किशोरी ने नदी में छलांग मारी। बुलंदशहर में शराब की दुकानों में एसडीएम और सीओ ने की छापेमारी। मिलावटी शराब और ओवर रेटिंग को लेकर की गई छापेमारी। फतेहपुर जिला महिला चिकित्सालय में छेड़छाड़, भर्ती नाबालिग से हुई छेड़छाड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, कई भट्टियों को पुलिस ने तोड़ा। हमीरपुर में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, दो दर्जन से अधिक गांव हुए प्रभावित। जालौन में बांधों से छोड़ा गया पानी, यमुना का जल स्तर बढ़ा। मुरादाबाद में निजी अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप, बच्चे के इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। रायबरेली में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का हंगामा, अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। रायबरेली में पुलिस की कार्यशाली पर उठे सवाल, सैकड़ों ग्रामीणों ने किया हंगामा, एसपी कार्यालय का किया घेराव। सिद्धार्थनगर में महिला ने प्रधानाध्यापक को पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, महिला शिक्षा मित्र के साथ होती दी छेड़छाड़। सीतापुर में हरिशंकरी वाटिका में लगाए गए पौधे, वन पर्यावरण और जंतु उद्यान विभाग के कई लोग मौके पर रहे मौजूद। सुल्तानपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले ने किया नियमों का उल्लंघन, मानक के विपरीत बजाया गया हुटर। रायबरेली में प्रधान प्रतिनिधि ने नेता को दी धमकी, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत, धमकी का ऑडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश के बिगड़े बोल, पदाधिकारी को चटनी बनाने की दी धमकी। औरैया में प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने की अभद्रता, पुलिस ने ग्रामीण पर की कार्रवाई। औरैया में जल शक्ति मंत्री ने किया निरीक्षण, बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में 4 महीने बच्चे की अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया आरोप। हमीरपुर में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर, हादसे में एक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में शराबियों की दिखी दबंगई, शराबियों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में कमला पसंद एजेंसी होल्डर से की लूट, बदमाश गोली मारकर मौके से हुए फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। शाजापुर में अन्न योजना के दिवस पर नहीं हुआ राशन वितरण, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शन कर एसडीएम को लिखा शिकायती पत्र।
सोनभद्र में नदी में नहाने गए दो बच्चे डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुल्तानपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में एक की मौत, दो हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में ग्रामीणों तक नहीं मिल पा रहा पीएम आवास योजना का लाभ, पी में लाभ का नहीं पहुंचने से ग्रामीण में है रोष। आगरा में यमुना की तिलहती में सैकड़ों की संख्या में होते हैं जुआरी एकत्रित, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी नहीं थम रहा जुए का कारोबार। फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में सड़क पर चलती कार में लगी अचानक आग, कार जलकर हुई खाक, कार सवार तीन लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर उफान पर, बारिश के कारण खतरनाक स्तर पर पहुंची नदी, लोगों के घरों में घुसा पानी। रायबरेली में एक युवक की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से की पिटाई, युवक अपनी प्रेमिका से गया था मिलने, इसी बीच ग्रामीणों ने युवक को दबोच कर की पिटाई। अल्मोड़ा में नगर पालिका कार्यालय में समारोह का आयोजन, सफाई कर्मचारियों ने की मांगों को पूरा करने की उठाई मांग, विधानसभा अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। लालकुआ में धीमी रफ्तार से हो रहा नेशनल हाईवे पर काम, निर्माण कार्य से सही तरीके से कराने की उठाई गई मांग। रुड़की में कलम को कुचलने की कोशिश, पत्रकार के साथ कर्मचारी ने किया भद्दा, गोदाम के बाहर धरने पर बैठे लोग। विकासनगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बिना रोक टोक के किया जा रहा है खनन, खनन माफियाओं की जा रही है मदद। हरिद्वार में कोविड टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, कोविड जांच कैंप में हो रही है लापरवाही। लक्सर के मलकपुर गांव में निकाला विशालकाय मगरमच्छ, इलाके के लोगों में मचा हड़कंप। चमोली में सड़क निर्माण से ग्रामीण प्रभावित, ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई से संबंधित अधिकारियों पर लगाया आरोप। लक्सर में सड़कें बनी नदियां, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही है कोई सुनवाई। मसूरी में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म से गुस्से में वाल्मीकि समाज, दोषियों को फांसी देने की गई अपील। पौड़ी गढ़वाल में डीएम ने भूस्खलन क्षेत्र का किया निरीक्षण, सावधानी बरतने के दिए निर्देश। हरिद्वार में वन्ना कटियार के लिए लगा बधाई का तांता, ग्राफिक एरा संस्थान ने वन्ना को दिया 11 लाख का चेक। लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक हुआ घायल।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ढूंढा भाजपा का कार्ड, बैठक में तैयार की रणनीति। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाके में भारी बारिश बनी लोगों के लिए काल, भूस्खलन के कारण आवागमन हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में डीएम ने नाना घाट पेयजल स्तर का किया निरीक्षण, जल्द से जल्द लाइन ठीक करने के दिए निर्देश। टोक्यो में ट्रेन में एक हमलावर ने 10 लोगों को चाकू घोंपा, दो की हालत बेहद गंभीर। अमेरिका में पूरी तरह से हुआ 50वीं सदी कोरोना का टीकाकरण, डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ लगा चीन की लैब का डाटा। डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिकी की फिर बढ़ाई चिंता, रोजाना औसतन पाए जा रहे 95,000 केस। जापान में कोरोना के मामले 10 लाख से अधिक, टोक्यो में सबसे ज्यादा फैल रहा है कोरोना संक्रमण। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अहम सीमा को दिया बंद, इस्लामाबाद अफगानियों के लिए वीजा को करे बंद। प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ पाकिस्तानी वायुसेना का विमान, दोनों पायलट सुरक्षित। हिंदू मंदिर तोड़फोड़ के मामले में पाक मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को लगाई फटकार, दोषियों की गिरफ्तारी के दिए आदेश। पाकिस्तान की एमक्यूएम पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने कहा, गैर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान मौत की जगह, मंदिरों पर हमले के लिए सेना तैयार करती है चरमपंथी गुट। वीजा अवधि खत्म होने का नवाज शरीफ की बड़ी मुश्किल, ब्रिटेन ने खारिज की समय सीमा बढ़ाने की मांग। शिनजियांग का दामन करने के लिए चीन, तिब्बत में काम कर चुके नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति। वैक्सीन बाजार पर चीन की नजर, खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की लहर के साथ चीनी राष्ट्रपति ने दुनिया के अलग अलग देशों तक 2 अरब वैक्सीन पहुंचाने का रखा लक्ष्य। ईरानी राष्ट्रपति रईसी से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका का किया स्वागत। उत्तर कोरिया से संबंधों में सुधार के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चर्चा, परमाणु निरस्त्रीकरण बना अड़चन। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अमेरिकी कर्मचारियों के लिए कोरोना टीकाकरण को अनिवार्य किया। तिब्बती बच्चों को सैनिक बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है चीन, भारतीय बॉर्डर के पास बनाए सैन्य कैंप। भारत को जल्द मिल सकती है सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की, जॉनसन एंड जॉनसन ने मांगी इजाजत। बुर्किना फासो में जिहादियों ने किया हमला, 15 सैनिकों समेत 30 लोगों की मौत।
अफगानिस्तान सरकार के मीडिया इंफॉर्मेशन डायरेक्टर की हत्या, तालिबान ने कहा कर्मों की दी सजा। अमेरिका में 1 लाख ग्रीन कार्ड हो सकते हैं बेकार, भारतीय आईटी पेशेवर नाराज। न्यू होंडा अमेज की बुकिंग ओपन हुई, 18 अगस्त को होगी लॉन्च। चीन को पीछे छोड़ने के लिए नोएडा में लग रही खिलौने बनाने की फैक्ट्री, 6000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत को अपना निर्यात और बढ़ाने की जरूरत, विदेशों में भारतीय मिशनों से बोले पीएम मोदी। सेबी ने दी राहत, प्रमोटर के मिनिमम लॉक इन पीरियड को घटाया। विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया एक और रिकॉर्ड, $620 अरब के पार पहुंचा। रविंद्र जडेजा का बड़ा कमाल, महाल ऑलराउंडर की लिस्ट में हुए शामिल। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान, हरियाणा सरकार 9 हॉकी प्लेयर को देगी 50-50 लाख। सीएम बोले झांसी की रानी की तरह लड़ी बेटियां। जेम्स एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने, अनिल कुंबले को भी छोड़ा पीछे। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा, अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा ये पुरस्कार। दीपक पुनिया के कोच ने किया रेफरी पर हमला, आईओसी ने मान्यता रद्द कर खेलगांव से किया बाहर। स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज होगा टाइगर श्रॉफ का गाया पहला हिंदी सॉन्ग वंदे मातरम, करण जौहर ने 2 सिंगर को दिया ऑफर। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का गाना देश मेरे हुआ रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज करेगी इमोशनल, जाग जाएगा देशभक्ति का जज्बा। हनी सिंह ने तोड़ी चुप्पी, दूसरी औरतों से संबंध और मारपीट जैसे पत्नी के आरोपों पर पोस्ट लिख दी सफाई। सोनू सूद ने श्रीनगर में किया चप्पल की दुकान का प्रमोशन, बोले 20% डिस्काउंट के लिए मेरा नाम ले। शूटिंग के वक्त अचानक बिगड़ी प्यार का पंचनामा, फेम नुसरत भरूचा की तबीयत आनंद फानन में ले जाया गया अस्पताल। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।